जिला एड्स नियंत्रण व प्रतिबंध पथक जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय वर्धा के अंतर्गत 9 मार्च से 13 मार्च तक वर्धा जिला के 15 जगह HIV एड्स व लैंगिक बीमारी के बारे में लोक कला के माध्यम से जन जागृति फैलाई गई। हिंगनघाट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में 13 मार्च को दोपहर करीब 11:30 व पथनाट्य जन जागृति का कार्यक्रम किया गया। स्थानांतरित कामगार व स्थानीय युवक तथा नागरिक को लैंगिक बीमारी पर विस्तृत मार्गदर्शन नव चैतन्य बहु विकास युवा मंडल शिरोली तथा घाटनजी जिला यवतमाल कला पथक के माध्यम से किया गया। HIV एड्स क्या है ये लोकगीत के माध्यम से समझाया गया। HIV का संसर्ग 4 वजह से होता है। HIV संसर्गित व्यक्ति से असुरक्षित लैंगिक संबंध प्रतिस्थापित करने से, HIV संसर्गित व्यक्ति को दी गई सुई व सिरिंज का इस्तेमाल करने से, वहीं HIV संसर्गित गर्भवती माता को होने वाले अपत्य और रक्त पेड़ी से HIV मुक्त रक्त ना लेने पर HIV का संसर्ग होता है। इसलिए नागरिकों ने सरकारी दवाखाना ICTC समुपदेश व जांच केंद्र में HIV की जांच करना जरूरी है, ऐसा आह्वान संस्था सांस्कृतिक प्रमुख प्रफुल्ल राउत ने किया। छात्राओं को लैंगिक बीमारी पर कुछ शंका हो तो शासकीय टोल फ्री क्रमांक 1097 इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यह भी पथनाट्य द्वारा बताया गया। इस जन जागृति पथनाट्य द्वारा समाज के निचले स्तर पर युवक व नागरिकों में जन जागृति होने के उद्देश्य से ये मुहिम अवृत ग्रामीण परिसर में चलाई जा रही है। इस प्रसंग पर ICTC समुपदेश के अजय लिडबे इन्होंने उपस्थित लोगों को ICTC यहाँ जाँच करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लता डांगे प्रयोगशाला तंत्रज्ञ सुलभा पीसे लिंकवरकर सीमा इंगोले ORW ने सहयोग किया। साथ ही कार्यक्रम के सफलतात नव चैतन्य आर्ट ग्रुप घाटन जी के कलावंत प्रफुल्ल राउत प्रकाश बंजारी नंदू भाव खारकर मारुति पेंदोर साक्षी बारी विनोद पाटिल ने परिश्रम लिया। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि नोरकर की रिपोर्ट।